आज हम बनाएंगे राई की सब्जी, जिसे कि पहाड़ में बोलते हैं राई की बुच्ची। तो फ्रेंड्स, अब काट लिए राई, तो सबसे पहले जलाते हैं आग। जला लिए आग, अब रखते हैं कढ़ाई को चूल्हे पे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अब इसे ढक देंगे। तो अब इसमें रखते हैं तेल, इसमें ना पिसी वाली मिर्च नहीं डालेंगे, ऐसी वाली मिर्च डालेंगे। ऐसे इनको तोड़ के फिर इनको तल लेना है। इससे क्या है ना कि भुज्जी जो है उसमें अच्छा स्वाद आता है। तो अब बारी है मिर्च डालने की। ये देखो हो चुकी है ये रेडी। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ करनियाल, वेलकम टू आवर चैनल करनियाल्स ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज का मौसम। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। तो अभी आ गया हूँ मैं ऊपर वाली बिल्डिंग में और ये देखिए मिस्त्री लोग हैं ना जो, वो अभी तक भी नहीं आए और वो ऐसे ही कर रहे हैं कि एक दिन आ रहे हैं एक दिन नहीं आ रहे, पता नहीं कैसा काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो आज भी नहीं आ रहे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जितना जितना प्लास्टर हो रखा है वो कैसा लग रहा है। तो ये है बाहर की बालकनी जहाँ से पहाड़ों के सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। और ये है फर्स्ट वाला कमरा, ये देखिए इस पर पूरा प्लास्टर हो चुका था लेकिन पीछे सीढ़ी डालने के चक्कर में उन्होंने दीवार पे छेद कर रखे हैं, ये देखो। और बाकी तो ये सब सही हो रखा है। और ये है दूसरा वाला कमरा जिसमें पूरा काम कंप्लीट हो रखा है, कहीं भी कुछ बाकी नहीं रह रहा। तो प्लास्टर का काम होने ही वाला है कंप्लीट, अब बस सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियाँ रह रखी है बाकी। तो अगर आज मिस्त्री लोग आते तो वो इस सीढ़ी पे करते प्लास्टर। वो कल बोल रहे थे कि इसमें पानी डाल देना ताकि प्लास्टर अच्छे से चिपके। तो पापा ने सुबह सुबह भिगाई थी पर लेकिन वो अभी आए नहीं। बताओ यार, बताते भी नहीं फिर कि कॉल करके कि हम आज आ नहीं रहे। और आजकल तो हमारा आंगन बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, ये देखो, क्योंकि आजकल घर का काम चल रहा है तो आंगन तो गंदा होना ही है। तो फ्रेंड्स, अब हो चुका है खाना बनाने का टाइम और जो खाना बनाना है वो आज मुझे बनाना है। तो आज हम बनाएंगे राई की सब्जी, जिसे कि पहाड़ में बोलते हैं राई की भुज्जी, और कढ़ी और चावल। तो सबसे पहले राई को धोते हैं और फिर इसको काटते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये राई इस छन्नी में इसलिए काट रहा हूँ ना क्योंकि इसमें धोने के लिए आसानी होती है, इनको आसानी से धोए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये राई है इसके जो ये डंठल है ना ये बहुत बड़े बड़े हैं तो ये खाने में अच्छे नहीं होते,
तो इनको आप गायों के लिए काटते हैं पहले। तो फ्रेंड्स अब काट लिए राई, अब बारी है इसको धोने की। तो फ्रेंड्स अब धो दिए राई, अब बारी है इसे उबालने की। तो सबसे पहले जलाते हैं आग। तो फ्रेंड्स अब जला लिए आग, अब रखते हैं कढ़ाई को चूल्हे पे। कढ़ाई रख दी चूल्हे पे। अब ये जो राई है इस राई को रखते हैं कढ़ाई में। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अब इसे ढक देंगे। और अब इसको थोड़ी देर बाद खोलेंगे जब ये उबल जाएगी। तो अब हमारी गाय आ गई है गौशाला में। तो पहले हमें गाय को खाना पड़ेगा चरने के लिए फिर से, और मम्मी भी आ गई है तो तब तक मम्मी देख लीजिए खाना। ये देखो लाल वाली गाय आ गई है। आज पता नहीं क्या हो इसे, क्या हुआ भाई जल्दी क्यों आ गई तू? पानी की प्यास लगी होगी पक्का, इसको पानी पिलाते हैं फिर से खाने के लिए, फिर छोड़ के आ जाएंगे। चलो अब इसको पहले पानी पिलाते हैं यार, इसको पानी की प्यास लगी होगी तभी आई होगी ये। चल ये देखो मैं इसको पानी पिलाने के लिए लाया लेकिन ये तो पानी नहीं पी रही। पिपान पे तो इसको पानी तो पीना है नहीं, ये पक्का वो तीनों अलग चले गए होंगे और ये अलग रह गई तभी ये वापस आ गई घर पे। लेकिन इसको फिर से उन्हीं के साथ छोड़ने जाना है। लाली को तो मैं जा रहा हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन अगर वो तीनों मुझे दिखाई नहीं दिए तो इसको फिर वैसे ही छोड़ के आना पड़ेगा, और फिर ये वैसे रहेगी नहीं चरने के लिए, अकेले अकेले ये चरती है नहीं, तो ये वापस आ जाएगी फिर से। तो आशा करता हूँ मैं कि वो मुझे वहीं पर मिल जाए तो सही रहेगा, दिख जाएंगे तो। तो ये देखो मोटू तो मुझे यहीं पर मिल गया, तो अब लाली को मोटू के साथ ही छोड़ देते हैं, दोनों फिर साथ ही आ जाएंगे घर पर। तो अब हम चलते हैं घर पर। तो अब पहुंच गए हैं घर पे। ये देखो पापा तो रोड़ी तोड़ रहे हैं, पापा अभी काम से आए और फिर से यहाँ देखो काम करने लग गए, रोड़ी तोड़ने लग गए। और ये देखो अब मम्मी बनाने लग गई खाना। उबल गई थी बुज्जी? हाँ उबल गई थी बुज्जी। अच्छा चलो फिर हटो मैं बनाता हूँ खाना। नहीं अब मैं खुद ही बना लूंगी खाना। अरे बुज्जी बुज्जी मैं बना दूंगा, आप कढ़ी और चावल बना लेना। ठीक है मैं कढ़ी और चावल बनाऊंगी। हाँ तो बुज्जी मैं बना दूंगा। ठीक है। तो अब मम्मी ने चावल तो बना दिए, अब हम पहले बुज्जी बना लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिए, तो अब इसमें रखते हैं पहले तेल। और अब पहले तेल गर्म होने देंगे, तब तक हम ये इसमें ना पिसी वाली मिर्च नहीं डालेंगे, ऐसी वाली मिर्च डालेंगे। ऐसे इनको तोड़ के फिर इनको तल लेना है, इससे क्या है ना कि भुज्जी जो है उसमें अच्छा स्वाद आता है। ये देखो अब जो ये मिर्च थी वो सारी की सारी हमने तोड़ दी है और तेल भी शायद गर्म हो चुका है। तो अब इसमें पहले सरसों डालते हैं क्योंकि सरसों का ही तड़का मारना है इसमें। तो अब बारी है मिर्च डालने की। ये देखो जो मिर्च थी वो भुन गई है। ये देखो
तो अब इसमें डालते हैं नमक। तो बस अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकने देंगे और फिर ये रेडी हो जाएगी। तो राई की भुजिया बन चुकी है, तो अब इसको उतार देते हैं नीचे। ये देखो हो चुकी है ये रेडी, अब इसको ढक देते हैं। तो भुजी तो मैंने बना ली है, अब मम्मी बना लेगी बाकी खाना। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं हम गोबर फेंकने सड़क से, तो चलो चलते हैं, आज गोबर का किस्सा भी ख़त्म ही कर देते हैं। अब जा रहे हैं नीचे सड़क में, क्योंकि जो गोबर है वो सड़क से ही फेंकना है, हमारी अपनी गौशाला से तो फेंकना है नहीं। ये देखिए अब हम पहुंच गए सड़क में और मम्मी पहले ही आ गई थी, तो मम्मी अब गोबर भर रही है। देखो और ये देखो ये तीनों आज भी यहीं पे है और पत्थर खेल रहे हैं। चलो मुझे खिला पहले पत्थर टक्के, चल डाल पत्थर डाल। तो फ्रेंड जब तक हम पत्थर खेल रहे थे तब तक उधर देखो मम्मी ने गोबर की फंची लगा दी है, तो अब हम चलते हैं गोबर फेंकने के लिए। तो ये है आज की फर्स्ट घात। और अभी इतना खेत बाकी रह रखा है, इसमें भी फेंकना है गोबर, लेकिन ये गोबर सारा आज ही फेंकना है, कल का झंझट नहीं लेना। ये रही दूसरी घात। तो हम पहले गोबर नीचे की साइड से ला रहे थे, अब ट्रांसफार्मर के सामने अंकित लोगों का घर है तो उनके घर के सामने से लाएंगे अब गोबर। देखो अब मम्मी यहाँ पे आ गई। दद नमस्ते। ये देखो अब यहाँ पर से ले जाना है गोबर, पहले हम वो उधर नीचे साइड से ला रहे थे जहाँ पर गेट दिख रहा है, और अब यहाँ पर से ले जाना है। ये देखो अब हर जगह में इकट्ठा कर रखा है, अब बारी इसे फैलाने की। देखो पापा उधर जो इधर खेत में बेकार कूड़ा कबाड़ा हो रखा था ना उनको जला रहे हैं। देखो ये देखो अब जितना भी कूड़ा था वो सारा जला दिया पापा ने। तो ये देखो फ्रेंड्स अब हो चुकी है रात, और अभी तक भी हमने जो गोबर है वो पूरा फैलाया नहीं हम, बल्कि एक एक्स्ट्रा घात ही चली आए गोबर की, वो उधर साइड रख रखी है हमने। और ये देखो अभी थोड़ा सा गोबर रह रखा है फैलाना, तो इसको जल्दी जल्दी फैलाते हैं अब। तो फ्रेंड्स अब अंधेरा हो चुका है, कुछ तो दिखाई दे रहा है नहीं, पर हमने जो है आज पूरा खेत गोबर से ढक दिया है, अब गोबर की हमने छुट्टी कर दी बिल्कुल, है ना मम्मी? अब बिल्कुल छुट्टी हो गई आपसे गोबर फेंकने की छुट्टी। तो फ्रेंड्स अब पहुंच गए घर, और आज से हमने गोबर फेंकने का भी झंझट ख़त्म कर दिया है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।